नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा आरएमसी प्लांट शटडाउन हो जाता है किसी वजह से, कोई उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है जिसको रेक्टिफाई करने में 4 से 5 दिन लगते हैं आपको, और मान लीजिए कि आपको कोई राफ्ट है उसका आपको कॉन्क्रीट करना है और आपको कॉन्क्रीट अर्जेंटली चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास में कोई दूसरा आरएमसी प्लांट नहीं है जो आपको पैसे दे के और कॉन्क्रीट अवेलेबल करवाता है, तो फिर आपके पास में क्या चारा रह जाता है? क्या आप वेट करेंगे कि जब तक हमारा प्लांट रिपेयर नहीं हो जाता तब तक हम वेट करें और फिर हम कॉन्क्रीट करें? इससे तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हमको कोई ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे हमारा काम ना रुके दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी प्लांट की लैब में। वहां पे आपको लैब में जाना है, लैब में जाके आपको डिजाइन मिक्स का एक शीट लेके आना है, या फिर आप लोग वहां से नहीं लेके आ सकते तो आपको आरएमसी प्लांट में जाना है। आरएमसी प्लांट में आपको वो शीट इजीली अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप लोग जो आरएमसी प्लांट वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये बता दो कि M30 का डिज़ाइन मिक्स क्या है या M40 का डिज़ाइन मिक्स क्या है, जो भी हमको कंक्रीट लगने वाला है उसका डिज़ाइन मिक्स क्या है दोस्तों। अब आप M5 से लेके M25 तक तो आपको पता है रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, आप वो एक रेशियो बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि M20 का भी आप लोगों को डिज़ाइन मिक्स करके दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के और साइट पे कास्टिंग करवानी पड़ती है। अब देखिए M25 का तो अपनी साइट पे यूज़ होता ही नहीं है, M15 का होता है, M20 का होता है, जो आप लोग इजीली बना के और डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको M30 की राफ्ट करनी है, उसके लिए कंक्रीट कहाँ से लेके आएंगे? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग कागज लेके आइए। जब आप लोग कागज लेके आ जाएं, एक फ्लोरी मंगवा लीजिए किराए पे, और फ्लोरी मंगवा के सारा मटेरियल साइट पे डाल के डाल दीजिए। जब आप लोग सारा मटेरियल साइट पे लाके डाल देंगे, फ्लोरी को स्टार्ट करवाइए, उसमें जो भी आपका डिज़ाइन मिक्स दिया गया है कि आपको कितना सीमेंट यूज़ करना है, कितना एग्रीगेट यूज़ करना है, कितना सैंड यूज़ करना है, और एडमिक्सचर की ज़रूरत तो दोस्तों वहाँ पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है, हम लोग साइट पे ही कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं पे हम लोग डाल रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपको एडमिक्सचर की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी डिज़ाइन मिक्स में दिया गया है सारा मटेरियल साइट पे मंगवाइए और अपना काम खत्म कर लीजिए। अब ये तो हो गई बात कि हमको साइट पे कंक्रीट कैसे बनाना है, ठीक है, उसी ग्रेड का। लेकिन अब ये शीट होती कैसी है, ये अब हम लोगों को जानना है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर आप वेल फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वेल फाउंडेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक बैच रिपोर्ट होता है दोस्तों। जो हम लोग आरएमसी प्लांट में कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं उससे हम लोग एक स्लिप प्रिंट करते हैं, जो हमको लैब में देनी पड़ती है, या फिर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है अभी तक, ये सारा रिकॉर्ड इन स्लिप्स की मदद से रखा जाता है दोस्तों। इन स्लिप की मदद से ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पे एक बैच रिपोर्ट है। अब इसमें देखिए कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सी ग्रेड का कंक्रीट है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बैच नंबर वगैरह और ये डेट वगैरह ये सब कुछ दिए गए हैं, ठीक है, इनसे तो कुछ काम नहीं है अपने को। लेकिन अब देखिए यहाँ पे साइट क्या है, साइट से भी ठीक है अपने को काम नहीं है, अपने को तो खाली शीट चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नेम में M30 करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो ग्रेड दिया रहता है, बहुत सी शीट्स रहती हैं, अलग अलग तरीके की शीट्स रहती है, और उनमें ग्रेड करके भी लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। और या नहीं भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो प्लांट ऑपरेटर रहता है उससे पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। अब ये तो पता चल गया हमको कि M30 का ग्रेड है। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे इसमें कि अब हमको कितना एग्रीगेट चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना वाटर चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल जो हमारे जो टारगेट दिए गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और एडमिक्सचर, ये हमने कितना सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक प्लांट में, ठीक है ना। आरएमसी प्लांट पूरा ऑटोमेटिक होता है, वो बेच लेके काम करता है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपकी बेच साइज क्या है, ठीक है। 1 M³ अगर बेच साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 M³ में तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको,
ठीक है, लेकिन अगर बेच साइज यहाँ पे 0.5 MQ होती तो 0.5 MQ के हिसाब से यहाँ पे आपको सेंड दी हुई रहती, यहाँ पे एग्रीगेट दिए हुए रहते, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 10 mm और जो हमारे सीमेंट जो भी है हमारा यहाँ पे 10 mm 20 mm हो गया, सीमेंट हो गया हमारा, वाटर कंटेंट हो गया, ये उस हिसाब से होता है, किस हिसाब से 0.5 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो अब इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर MQ है या कैसे है, ठीक है। आप 1 MQ के हिसाब से निकाल लीजिए, या तो अगर आपको 0.5 MQ दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से निकाल लीजिए 1 MQ के हिसाब से, भाई मुझे 1 MQ प्रोड्यूस करने में मुझे इतना इतना आइटम लगने वाला है। लेकिन जो आपकी फ्लोरी होती है दोस्तों वो तो छोटी होती है, उसमें कितना आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 MQ है ना, या फिर उससे भी कम है ना। तो उस हिसाब से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो दोस्तों हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, 1 MQ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरी के लिए, हमको तो थोड़ा थोड़ा करके ही बनाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे बेच लेने पड़ेंगे। अब छोटे छोटे बेच हम लोग कैसे लें है ना, उसमें कैसे पता चलेगा हमको कि भाई अभी 1 MQ में इतना है तो फलाने क्वांटिटी में कितना होगा, हमको क्या पता चल रहा है कि फ्लोरी में कितना कॉन्क्रीट हम लोग लेने वाले हैं दोस्तों, ये तो हमको पता चलेगा नहीं। वहाँ पे हम लोग कुछ नापने जा रहे हैं क्या, वहाँ पे हम लोग नाप पाएंगे क्या, हम लोग नाप ही नहीं सकते ना उसको फ्लोरी को, उसका हम लोग को डायमेंशन ही पता नहीं है, और वो तो पूरा गोल डायमेंशन रहता है, तो हम लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी यूज होने वाली है उसमें वो तो निकाल ही नहीं सकते। तो दोस्तों हम लोग उस पर क्या है फिर बेक पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग आगे समझेंगे, सबसे पहले शीट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो, ये तो पूरा ऊपर का पल्ली, आपने अब यहाँ पे जब नीचे पड़ेंगे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि 7 MQ का आपको पूरा TM भरना है। तो जब 7 MQ का आपको TM भरना है तो आपको क्या है 1 MQ के 7 बेच आपको भरना पड़ेंगे उसमें, तो एक बेच में कितना 1 MQ ही प्रोड्यूस हो रहा है RMC में, तो ऐसे हमको 7 बेच डालने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बेचेस यहाँ पे लिए हैं, और सब में देखिए ये पूरी जो क्वांटिटी है वो इसमें वेरी हो रही है, जो क्वांटिटी यहाँ पे आई है वो वेरी होती है दोस्तों, वेरी होती है। क्यों होती है भाई, मशीन है, कभी कम लेती है कभी ज़्यादा लेती है, एक्यूरेट तो कभी ले नहीं सकती है। तो उसका एक एवरेज निकाल के हम लोग फिर कंपेयर करते हैं लास्ट में कि जो हमारा टोटल वेट है, जो एक्चुअल सेट वेट था जो हम लोगों ने सेट किया था उसके अराउंड है या नहीं, ठीक है। 5-7 kg 10 kg इतने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कंक्रीट में, ठीक है ना, क्योंकि उतनी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो हम लोग जो हमारा एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग जो थ्योरिटिकल हम लोगों ने जो लिया था, जो हम लोगों ने सेट किया था उससे कंपेयर करते हैं और उसके आसपास हम लोग उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि टोटल सेट वेट इतना था 2240 सेंड का, ठीक है। वैसे ही सेंड बेस्ड ऑन मॉइस्चराइज, ठीक है, मॉइस्चर पे बेस्ड हम लोग सेंड लेते हैं वहाँ पे, तो वो क्या है कि 332, ठीक है, 338, मतलब ये मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर के हिसाब से हमको 350 का बेस लेना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से प्रोडक्शन होता है और उससे शीट बनती है। तो हमको जो काम है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि अब हमारे पास में तो क्या है भाई कि 370 kg यहाँ पे हमारे पास में सीमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि अब सीमेंट एक बैग में कितना सीमेंट आता है 50 kg, तो हम लोग सीमेंट के बैग के हिसाब से हम लोग इसकी क्वांटिटी बना लेंगे कि भाई कितनी क्वांटिटी हमको डालनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 370 को आप लोग 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है, सबसे पहले तो वो देखो कि सीमेंट कंटेंट हमारा 370 kg है, तो ये आता है इसका 7.4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं 50 kg के हिसाब से 7.4 गुना यहाँ पे सारा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि अब सबको 7.4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 350 है तो इसको भी हम लोगों को 7.4 से डिवाइड कर देना है, 657 को भी 7.4 से डिवाइड कर देना है, और 656 को भी हम लोगों को 7.4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि हम लोग एक बैग के साथ में कितना आइटम डालने वाले हैं वो सब हमको पता चल जाएगा, पानी भी इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि वाटर कितना डालना है आपको, तो 152 डिवाइडेड बाय 7.4 करोगे तो आपका वाटर कितना डालना है, एक जो हमारा 50 kg एक बैग जो हमारा सीमेंट है उसके साथ में आपको पानी कितना मिक्स करना है वो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एडमिक्सचर देखिए यहाँ पे 2.59 दिया हुआ है kg में, लेकिन इसको हम लोगों को कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग तो साइड पे कंक्रीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग तो प्लांट पे प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है, हम लोग तो सीधा बना रहे हैं और सीधा डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे काम आ सकता है, या तो आप लोग कोई राफ्ट कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि राफ्ट क्या है नीचे की तरफ होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों की यहाँ पे फ्लोरी खड़ी है, ये यहाँ पे आपकी फ्लोरी खड़ी है और यहाँ से आपको कंक्रीट यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से शूट लगा के और कर सकते हो, या फिर आपकी स्लेब है वो यहाँ नीचे ही रह रही है ऐसी, तो आप लोग शूट की मदद से स्लेब तक भी कंक्रीट पहुँचा सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये वाला कंक्रीट कर सकते हो, अगर आपका प्लांट खराब है तो आपको इस तरीके से कर लेना है कंक्रीट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग
साइट पे बेचेस बना के और कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नीचे दिया गया है, आपको सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए देखते रहिए सिविल ज्ञान।